बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास सिक्स इंग्लिश में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, दैट इज द ब्लू लाइट, ऑन पेज नंबर 37। जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 कैंटरविला गोस्ट पढ़ा था, गोस्ट की स्टोरी, इसी तरह ब्लू लाइट भी एक गोस्ट की ही स्टोरी है, जिसे लिखा था वेकम मोहम्मद बशीर ने, जो एक नॉवेलिस्ट थे और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। उन्हें अपनी राइटिंग्स के लिए अवार्ड भी मिला था, पद्मश्री अवार्ड इन 1982 में। वो जो है इंडिया का सबसे सक्सेसफुल जो है राइटर में से एक थे। तो ब्लू लाइट की स्टोरी को पढ़ने से पहले हमें यहाँ पे एक वार्म अप में यहाँ पे दिया गया है कि ये एक पुराना सा घर है। इस घर में हमें कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाने हैं जिससे ये घर जो है वो बहुत ही हॉन्टेड लगे, डरावना लगे, भूतिया एक घर लगे। तो हमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइंग्स बनाने हैं। तो हम ये गोस्ट की जो है स्टोरी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, तो हम पढ़ेंगे स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। द स्पीकर इन द स्टोरी इज अ राइटर हु हैज रेंटेड एन ओल्ड हाउस इन आउटस्कर्ट ऑफ अ स्मॉल टाउन इन केरला। द हाउस हैज नो इलेक्ट्रिसिटी एंड इज नॉट वेल लुक्ड आफ्टर, बट द स्पीकर फाइंड इट अ परफेक्ट प्लेस टू राइट हिज नेक्स्ट नॉवेल। आफ्टर ही मूव्स इन, द लोकल्स वॉर्न हिम दैट द हाउस इज हॉन्टेड बाय अ गोस्ट नेम्ड भार्गवी। The speaker does not take the warning very seriously. 2.5 months passes and he begins to forget about Bhargavi. Then one day something happens. Speaker जो है वो एक राइटर थे। इस कहानी का जो स्पीकर है वो एक राइटर भी था। उन्होंने घर लिया था केरला के एक स्मॉल टाउन से बहुत ही दूर, आउटस्कर्ट मीन आउटर जो है बाहर, वहाँ पे उन्होंने घर, ओल्ड हाउस जो है वो किराए पे लिया था। उस घर में इलेक्ट्रिसिटी, बिजली भी नहीं था एंड कोई उस घर को देखने वाला भी नहीं था। लेकिन स्पीकर को लगा कि ये परफेक्ट प्लेस है, परफेक्ट जगह है उसका अपने नॉवेल कंप्लीट करने के लिए। जब जब वो उस घर में शिफ्ट हुआ, जो लोकल्स थे, लोकल्स मीन जो आस पड़ोस के लोग थे वहाँ पे, जो उन्होंने उन्हें कहा कि उस घर में एक गोस्ट रहता है जिसका नाम है भार्गवी। लेकिन स्पीकर ने उनकी बातों को सीरियसली नहीं लिया। दो और हाफ महीने जो है वो गुजर गए और वो स्पीकर जो है वो भार्गवी के बारे में भूल गया। देन वन डे, एक दिन समथिंग हैपन, कुछ होने लगा। इट मस्ट हैव बीन अराउंड 10 o'clock। इट हैड बीन writing a story since 9. It was a highly emotional piece. I was writing feverishly when I felt the light from the lantern become gradually dimmer. It must be around 10 o'clock. टाइम बज रहा था 10 बजे। वो अपना स्टोरी जो है वो 9 बजे से लिख रहा था और इट वॉज हाईली इमोशनल पीस। और जब वो स्टोरी लिख रहा था तो उस पॉइंट पे पहुंचा था जहाँ पे वो फुल फीलिंग्स के साथ जो है वो अपना स्टोरी लिख रहा था। आई वॉज राइटिंग फीवरिशली। फीवरिशली मीन्स एक्साइटेडली, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी के साथ जो है वो अपना वो नॉवेल लिख रहा था। तो उसे लगा कि जो लालटेन का जो लाइट है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। आई पिक इट अप एंड शूक इट, देयर वॉज नो केरोसिन इन इट, बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप राइटिंग। ऑल माई अटेंशन वॉज ऑन द स्टोरी आई वॉज राइटिंग। आई कंटिन्यूड राइटिंग एज द लाइट गो डिमर एंड डिमर अंटिल फाइनली इट वेंट आउट ऑल टुगेदर। मैंने जो है, उसने क्या किया, स्पीकर ने जो है वो लैम्प उठाया और शूक इट, उसे हिलाने लगा। तब उसे पता चला कि वहाँ पे केरोसिन नहीं है। केरोसिन मीन्स वो ऑयल जो हम लैम्प्स या लैम्प्स में लगाते हैं, उसे कहते हैं केरोसिन। बट आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टॉप राइटिंग, लेकिन मैं लिखना बंद नहीं करना चाहता था। ऑल माई अटेंशन वॉज ऑन स्टोरी, और मेरा जो भी अटेंशन था, कंसनट्रेशन था, वो सब स्टोरी
स्टोरी पे था। आई वॉज राइटिंग, जो मैं लिख रहा था, आई कंटिन्यूड राइटिंग एज द लाइट, और मैंने लिखना शुरू किया, कंटिन्यू रखा, जब मुझे लगा कि वो लाइट जो है वो कम, धीरे धीरे कम होते होते जा रहे हैं, और फाइनली जो है वो लाइट बुझ जाता है। तो आज हम यहीं तक, होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ।